दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की हसीन दुनिया में। हमारी आज की कहानी है जवान लड़की। मेरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। मैं ऐसी कोच में अपने छोटे से सूटकेस के साथ गैलरी में खड़ी ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी ठहरी, मैं झटके से नीचे उतर गई। स्टेशन से बाहर निकली तो सवारियों की तलाश में ऑटो रिक्शा वालों की भीड़ जमा थी। शहर में अनजान सी लग रही अकेली जवान लड़की को देखकर 56 ऑटो रिक्शा वालों ने मुझे घेर लिया और अपने अपने लहजे से पूछने लगे, बहन जी कहाँ चलोगी, मैडम किधर को जाना है। मैं खामोशी से खड़ी रही, सिर्फ कहीं ना जाने का गर्दन हिलाकर इशारा करती रही। कुछ ही देर में भीड़ छट सी गई। मैंने अपनी सुराहीदार गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखा। थोड़ी ही दूर पर एक ऑटो रिक्शा वाला एक किताब लेकर ड्राइवर सीट पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। लोक सेवा आयोग चलोगे, मैंने पूछा। जी जी ज़रूर, उस ड्राइवर ने अपनी किताब बंद करते हुए जवाब दिया। क्या लोगे, मतलब किराया कितना लोगे, मैंने सूटकेस ऑटो रिक्शा में रखते हुए पूछा। 80 रुपये, उसने बताया। मैं झट से ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, जल्दी चलो। ऑटो रिक्शा शहर की भीड़ से बाहर निकला ही था कि ड्राइवर ने पूछा, IAS का इंटरव्यू देने के लिए आई है शायद आप। जी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। फिर अगले ही पल मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। जी आप पहले तो लोक सेवा आयोग जा रही है, दूसरे इन दिनों इंटरव्यू चल रहे हैं। और क्या, मैंने पूछा। वह नौजवान बोला, आपका पहनावा बता रहा है कि आप किसी बड़े पद के लिए ही इंटरव्यू देने आई हैं। काश आज मैं भी क्या तुम भी, मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा। जी मैडम, मैंने भी मेन एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ 2 नंबरों से रह गया। उसने उदास मन से ऑटो रिक्शा को लोक सेवा आयोग की तरफ घुमाते हुए कहा, आप तो बड़े होशियार हो। मैं पहले ही नज़र में पहचान गई थी कि ऑटो रिक्शा में किताब लेकर पढ़ने वाला कोई साधारण ड्राइवर नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा लहजा भी आम ड्राइवरों जैसा नहीं है। अपने पर्स से 100 का नोट निकालते हुए मैंने कहा। ऑटो रिक्शा लोक सेवा आयोग के मेन गेट के सामने खड़ा था। ये लीजिए, मैंने पैसे देते हुए कहा। मैडम बेस्ट ऑफ लक, 20 रुपये लौटाते हुए उस ड्राइवर ने कहा। थैंक्स, तुम मैडम मत कहो मुझे, मेरा नाम परी है। और हाँ, मुझे शाम को वापस स्टेशन छोड़ने के लिए आ सकते हो क्या, आने जाने का भाड़ा दे दूंगी तुम्हें, मैंने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा। ठीक है परी जी, आपको मैं यही मिल जाऊंगा, वैसे लोग मुझे रोहन कहते हैं, ऑटो रिक्शा वाले ने जवाब दिया। ओके, इतना कहकर मैं चल दी। शाम को ठीक 5 बजे रोहन अपना ऑटो रिक्शा लेकर लोक सेवा आयोग के सामने अपनी अजनबी सवारी को लेने पहुंच गया। कुछ लड़के लड़कियां बाहर निकल रहे थे, किसी का चेहरा उतरा हुआ था तो किसी का फूलों के माफिक खिला हुआ था। रोहन की निगाहें मेन गेट पर लगी थी। आ गए तुम, पीछे की तरफ से मेरी आवाज़ सुनकर रोहन एक झटके से पलटा और बोला, आप, मैं तो कब से मेन गेट की तरफ देख रहा था। अरे मैं पीछे वाले गेट से निकल आई, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू। बहुत ही बढ़िया, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने ऑटो रिक्शा में बैठते हुए कहा। मैंने अपना मोबाइल खोला और बोली, अरे ये क्या हुआ। अब क्या हुआ परी जी, जयपुर वाली मेरी ट्रेन तकरीबन 5 घंटे लेट है, रोहन मुस्कुराते हुए बोला। परी जी
चिंता मत करो, आप मेरे घर ठहर जाना, मेरा भी घर जाने का समय हो गया है। और फिर रात को मुझे ऑटो रिक्शा चलाने के लिए स्टेशन ही आना है। अरे नहीं, आपको बेवजह तकलीफ होगी, मैंने कहा। कैसी तकलीफ? इस बहाने भविष्य के एक प्रशासनिक अधिकारी की सेवा करने का हमें मौका मिल जाएगा, रोहन ने हंसते हुए कहा। मेरे पास अब मना करने का कोई ठोस बहाना नहीं था। घर पहुंचकर रोहन अपनी माँ से बोला, माँ देखो कौन आया है हमारी झोपड़ी में। रोहन ने अपनी माँ से मुझको मिलवाते हुए कहा। बूढ़ी माँ ने पहले तो पहचानने की कोशिश की, पर अगले ही पल वह बोली, बेटी मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे पहचानोगी भी नहीं, यह परी जी हैं। रोहन ने सारी कहानी बता दी। 3-4 घंटे में ही मैं रोहन के परिवार से घुल मिल गई। रोहन गरीब जरूर था, लेकिन होशियार बहुत था। मुझको स्टेशन ले जाने के लिए रोहन घर से बाहर आने लगा तो मैंने उससे कहा, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा रोहन? एक पल के लिए ठहर सा गया। यही कि तुम फिर से इम्तिहान की तैयारी करोगे और तुम्हें भी कामयाब होना है, मैंने हिम्मत देते हुए कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। स्टेशन पर मुझको छोड़ने के बाद रोहन में फिर से तैयारी करने की इच्छा जाग गई। अब वह IAS की तैयारी में जी जान से जुट गया। तकरीबन 1 महीने बाद IAS का नतीजा आया। मैं पास ही नहीं थी बल्कि टॉप 10 में आई थी। परी जी बधाई हो, रोहन ने फोन मिलाते ही कहा। थैंक्स, यह सब माँ की दुआओं और तुम्हारी शुभकामनाओं का नतीजा है, मैंने महकते हुए कहा। 2 साल तक हम दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। मैं SDM बन चुकी थी। अब रोहन की जिंदगी में बहुत बड़ा दिन आया, उसका IAS में चयन हो गया। हेलो रोहन, मैं तुमसे एक चीज मांगू, परी मुझ गरीब के पास तुम्हारे लायक देने के लिए कुछ नहीं है और अभी मेरी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है, क्या एक IAS किसी IAS लड़की से शादी कर सकता है, मैंने अजीब सा सवाल किया। क्यों नहीं, अगर दोनों में प्यार हो तो, रोहन ने कहा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैंने साफ साफ पूछा। कुछ पलों के लिए रोहन चुप रहा। बोलो रोहन, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने धीरे से पूछा। जी करता हूँ, रोहन हकलाते हुए बोला। रोहन का दूसरा सपना भी सच हो गया। कभी उसका पहला सपना प्रशासनिक अधिकारी बनना था और दूसरा सपना था मुझको पाना। आज का दिन उसके जीवन का सबसे यादगार दिन था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।